के आप सभी प्रतिष्ठित विद्यार्थी, शिक्षक, अन्य गणमान्य अतिथि, आप सबका आप सबके कार्यक्रम में हम ताना बाना की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। आइए, जब तक ये सेटअप अच्छे ढंग से नहीं हो जाता है, कुछ हम जानते हैं। ये जो ताना बाना टीम है, ये वाराणसी से चलकर आप सबके बीच आई है। और ताना बाना, जैसा कि आप शब्द ही देख रहे हैं, ये कबीर का बड़ा ही प्यारा शब्द है। और इसी शब्द को चुनकर हम सब ने अपने बैंड का नाम रखा ताना बाना। आजकल भजन प्राय आपकी अवस्था में लोग सुनते नहीं है, तो हमारे टीम ने ये प्रयास किया है कि कबीर के भजनों को क्यों नहीं कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि बच्चों को भी अच्छा लगे, जवानों को भी अच्छा लगे। और भजन तो जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा ही है, आप देखेंगे कि बहुत ही कम बात दी है अंदर। स्वर की प्रधानता है, एक प्रकार से अगर इसे फ्यूजन कह दिया जाए तो बेमानी नहीं होगी, क्योंकि पाश्चात्य वाद्य यंत्र गिटार का इसमें समावेश है और भारतीय वाद्य यंत्र डपली और करताल और साथ में इकतारा। तो इस प्रकार एक प्रकार से कबीर के भजनों को फ्यूजन के ढंग से प्रस्तुत करने वाला, ये एक अनोखे अंदाज में प्रस्तुत करने वाला ताना बाना है। कबीर के बारे में और कुछ बताएं इससे पहले। आइए, हेलो चे, हेलो हेलो हेलो, देखो घूम रहा है, रिमोट कंट्रोल हो रहा है। ताना बाना और कबीर एक दूसरे के पर्याय हैं। ज्यादा कुछ कहूं या कुछ और कहूं, आइए पहले कबीर की साखी सुन लेते हैं और उसके बाद कुछ बातें और कुछ भजन। पहले कबीर की साखियां और उसके बाद कुछ और। कबीर